वैसे गाइस कोवेंट्री में एलन हिग सेंटर है, तो वैसे यहाँ पर भी इनका टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसका नेम क्या है, मेरे को नेम नहीं पता। सो बेसिकली ये रेडिंग लेजर सेंटर है, हम रेडिंग में हैं और यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है जिसका नाम है ओपन रेडिंग चैंपियनशिप। तो वहाँ पे बेसिकली पूरे इंग्लैंड से टीम्स आई हुई हैं खेलने के लिए, सो इट्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स टूर्नामेंट। अभी पहले अपडेट दीजिए आपके मैच का क्या बना। मेरे मैच का ये अपडेट हुआ कि मिक्स्ड में मैं आई हैव लॉस्ट, और अभी मेंस चल रहा है, मेंस में मैं ग्रुप स्टेज जीत गया हूँ। सो वी हैव रीच्ड प्री क्वार्टर फाइनल्स एंड अभी क्वार्टर फाइनल्स होगा। तो बाकी बहुत मज़ेदार है, आपको अंदर दिखाते हैं कितना अच्छा माहौल है, पूरे मतलब पूरा भरा पड़ा है स्टेडियम, और आपको ट्रॉफीज भी दिखाते हैं जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से, तो होपफुली विल गेट इट। बाकी हमें विशेष देते रहना। हाँ, बाकी मैं तो घूमने चला गया था, आपको पता ही है, तो आपको अब अंदर लेकर चलते हैं। तो अंदर अभी बता रहे हैं ना पुनीत भैया, ट्रॉफीज हैं, तो खाने का भी इन्होंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ पर जब आप आते हैं टूर्नामेंट वगैरह तो ऑर्गेनाइजर आपको सब खाने वगैरह के लिए भी उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। हाँ, इंडियन फूड है यहाँ पर। तो ये जस्ट एंट्री की हमने यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये ट्रॉफीज है यहाँ पर, ये ट्रॉफीज हैं, इनके लिए हम मेहनत करते हैं। और ये जो हैं दो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, स्पॉन्सर किया हुआ है इस टूर्नामेंट को, तो अच्छा। सुचिता यूके और एस की वी भी। अच्छा, तो ये इंडियन ही है, ये रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं अभी, इन्होंने वहाँ पर, आप जाएंगे तो आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर मस्त वड़ा पाव, बिरयानी, पनीर बिरयानी सब मिल रहा है, आप आके इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लेयर्स के लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो गाइस मैं भी खा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये खाने की स्टॉल लगी हुई है यहाँ पर। हेलो, यस। जैसा कि आपने अभी देखा है यहाँ पर खाने का फुल इंतजाम है, इंडियन फूड है। तो मेरे पास यहाँ पर दो लेडीज हैं मेरे साथ, तो आप उन्होंने ये सबसे नाज आपका भावना, भावना, तो भावना जी, नाज जी आप बताइए आपके पास क्या क्या इस टाइम पे फूड। हमारे पास बड़ा पाव है जो इंडियन बर्गर, ठीक है, चिकन बिरयानी, पनीर बिरयानी है। अच्छा, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है, वेज और नॉन वेज दोनों है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा, तो मैं भी अभी इंजॉय करूँगा। ये सबके लिए, प्लेयर्स के लिए नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर आकर खा सकता है। तो और कुछ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है? अपने इंडियन से जीतेंगे। तो यहाँ पर नेपालीज भी बहुत हैं, तो ब्रिटिश भी हैं, सभी हैं। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो मैच की अपडेट भी आपको लास्ट में मैं दूंगा। तो जस्ट गाइस मैंने अभी अपना भी फूड बाय कर लिया, तो यहाँ पर ये कड़ी है थोड़ी सी, तो 5 पाउंड मैंने पे किए इसके, तो ठीक है, स्पाइसी नहीं है क्योंकि सभी ने खाना है, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये, पेट भर जाएगा, फिर रात को खाना खाएंगे सीधा। बाकी जो हैदराबाद स्टूडेंट्स के साथ मैंने बिरयानी खाई थी वो तो फिर अलग ही बात है, ये भी ठीक है। इसमें वेज और नॉन वेज आपको मैंने बताया दोनों ही थे। गाइस अभी मैं टॉम के साथ हूँ, तो टॉम व्हाट्स द अपडेट राइट नाउ? गो ऑन, यू टेल देम। नो, यू टेल देम, यू टेल देम, ही ऑलरेडी, या ही ऑलरेडी टोल्ड मी लाइक दे आर इन द सेमी फाइनल राइट नाउ। तो बहुत बढ़िया है अभी अपडेट आपको मैच की मैंने बताई है, तो थोड़ी देर में इनका फाइनल भी हो जाएगा, पहुँच जाएंगे भाई, इन्होंने लेकर जानी है, पीछे हमारे पड़ी हुई है ये। तो ऑल द बेस्ट टॉम, थैंक यू, या आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस ये यहाँ पर रेडिंग का टाउन सेंटर है, ट्रेन स्टेशन आपको मैंने पीछे दिखाया अभी।
तो गाइस ये वाला रेडिंग का म्यूजियम है, हम अंदर एंटर हो चुके हैं जस्ट देखने के लिए। कोई एंट्री टिकट नहीं थी, आ गए नहीं तो शायद ही आता मैं अगर एंट्री टिकट होती, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर एंट्री टिकट होती है। तो ये रास्ता ऊपर को जाता है, अभी ऊपर देखते हैं क्या सीन है।
महेश स्वीट है तो मुझे जो मैच की अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, अपने बंदे फाइनल में पहुँच चुके हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई है। तो एक बंदा अपना रेस्ट कर रहा है, प्रीत भाई इधर बैठे हुए पीछे ही, तो पीछे अभी मैच चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट में वहाँ टीम खेल रही है ना उस साइड पे, वो बिल्कुल लास्ट में जो लड़के ने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है, तो उनके साथ कह रहे हैं कि इनका फाइनल होगा। तो अभी टाइमिंग क्या है कि 15-20 मिनट और लगेंगे, तो 15-20 मिनट के बाद इनका मैच शुरू हो जाएगा, तो इनको बढ़िया थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। और एक अच्छी न्यूज़ और है कि उसके पैर पे भी चोट लगी है बता रहे हैं, तो थोड़ा इंजर्ड हो चुका है। तो चलो हम तो चाहते हैं कि वो ठीक रहे, पर ये इनके लिए तो अच्छा है ना, देखो इनको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। थोड़ी देर में इनका मैच भी शुरू हो जाएगा। तो बाकी आपने टाउन सेंटर घूमा है, मुझे होप है आपको टाउन सेंटर अच्छा लगा होगा, म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा था। भाई मेरे पास तो फोन नहीं रहता भैया, क्या करो। बताया था ना वो बंदा इंजर्ड था, तो मैच तो ये जीत ही रहे थे, तो लास्ट में उसने खुद ही क्विट कर दिया है ना वो। बेस्ट ऑफ थ्री होता है, तो फर्स्ट गेम तो हम जीत गए थे, सेकंड में इंजर्ड हो गया, तो वो बेसिकली ही इज नाउ हेडिंग बैक। बट बहुत मजा आया, ये हमारे फाइनल चैंपियन, पहले ही अवार्ड की बहुत विशेस आपके लिए। घर में पहले ही ढेर लग चुका है, अवार्ड रखने की जगह नहीं है, अभी हम बेचना शुरू कर दूं। अभी एक और अवार्ड यहाँ से लेकर जाएंगे, और इनका पार्टनर है वो भी शावर लेने गए, तो वो भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो इनको मिलेगा अवार्ड। तो फिर Oh,
Deductions. Well played, guys. Next time, you know your outfit, yeah? Your outfit is sponsored by us. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Thanks for coming.